देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई इज प्रोपानॉल हायर बॉइलिंग देन ब्यूटेन। इस क्वेश्चन का मतलब प्रोपानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से अधिक क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी और इसकी फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। प्रोपानॉल का फॉर्मूला है C3H7OH और ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। ब्यूट है 4 कार्बन, प्रोप है 3 कार्बन की, हो गया। अब दोनों का जो मॉलिकुलर मास है MM में मैंने लिखा, लगभग एक जैसे बराबर ही है। इसका 60U और इसका 58U, ये दोनों का मॉलिकुलर मास होने के बाद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों, ये आपको पूछ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस किस के ऊपर डिपेंड होता है आपको पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ BP। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड में शॉर्ट में लिखा HB और दूसरा वंडरवाल फोर्स, वंडर भी वाल का W, फोर्स का F लिया मैंने, वंडरवाल फोर्स, ठीक है। अब ये दो कंपाउंड में हमको देखना है HB है कि वंडरवाल फोर्स है। तो HB होता क्या है वो भी आपको समझना है। तो HB किसके किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा है, H तो रहेगा और कौन रहेगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, ये तीनों के साथ बॉन्ड हो हाइड्रोजन का तब उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब इस वाले कंपाउंड में देखिए हाइड्रोजन है ना ही, ऑक्सीजन है ना ही, फ्लोरीन ना ही नाइट्रोजन, तो इसमें तो HB है नहीं लेकिन इसमें है, ठीक। अब इसमें है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इससे तो साफ जाहिर हो गया। अब क्यों हो रहा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस कंपाउंड के अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग समझते हैं, C3H7OH का थोड़ा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो C3H7OH यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच के बॉन्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार के इसका स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसका इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं, तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ C3H7। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल सीसी का लेता हूँ मैं, ऑक्सीजन यहाँ पे C3H7 हाइड्रोजन, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो रहा है इंटरमोलिकुलर। फिर मैं और एक ले लेता हूँ इस टाइप वाले कोर्स, तो हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका C3H7, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव और ये इसके बीच में बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के होने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है इंटरमोलिकुलर। और ब्यूटेन में ऐसे कोई बॉन्ड नहीं है, ब्यूटेन में क्या है, वंडरवाल फोर्स है, वीक वंडरवाल फोर्स है, तो इसके वजह से प्रोपेनल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, प्रोपेनल का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 391 केल्विन और ब्यूटेन का होता है 309 केल्विन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।